सकते हैं जफर इस्लाम साहब, आपकी चुनौती तो किसान दे रहे हैं बॉर्डर पर, विपक्ष तो बीच में सवाल आपसे पूछता है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे आंदोलन के बीच ये बजट आ रहा है, क्या ऐसा होगा कि आप किसानों का भरोसा जीत सके, क्या ऐसा होगा जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में रफ्तार आएगी? और लोगों को जो मैं लगातार आपसे कह रही हूं, छोटे शहरों में जाकर देखिए, नौकरी चाहिए, नौकरी की व्यवस्था कैसे होगी? या फिर आप वही मुद्रा लोन, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रहा है, वहां नौकरियां बढ़ जाएंगी, यही सब गिनाएंगे? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या सोच रही है आपकी सरकार, क्या नया आउट ऑफ द बॉक्स सोचा आप? देखिए अंजना जी, अगर आप आंकड़ों पे जाइएगा तो जो वैसे कोई ऐसा डेटा नहीं है देश में जिसको बेसिस पे आप कह सकते हैं कि रियल टाइम बेसिस पे कोई जॉब के आंकड़े आपको मिल सकते हैं, लेकिन जो सर्वेज होते हैं उसमें आप लोग कोट करते हैं बराबर सीएमआई के सर्वे को, और सीएमआई का सर्वे ही देखिए तो अगर फरवरी 2020 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 7.5% के आसपास था, वो घट के बढ़ के जो है 26% चला गया था, और आज सीएमआई की रिपोर्ट देखिए नवंबर के जो नंबर थे, दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, दिखाइए इसको फुल स्क्रीन, दिखाइए नवंबर में, दिखाइए नवंबर में देखिए, और फिर दिसंबर में देखिए थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन जनवरी के नंबर जो है फिर जो है प्री कोविड लेवल से बेहतर हो गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ठीक है बेहतर हो गए, लेकिन सरकार ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, जो पॉलिसी रिफॉर्म्स किए हैं, उसके बेसिस पे आगे आने वाले दिनों में एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और बढ़ेगी, सर्विसेज सेक्टर में और जॉब क्रिएशन होगा, और खास कर आप देखिए, जैसे आप देखिए आप रेस्टोरेंट टूरिज्म इस तरह के, इसमें जो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट होता है सर्विसेज सेक्टर में, वो अभी फुल फ्लेश तरीके से नहीं आया है, इसलिए कोविड अभी पूरा इम्पैक्ट कोविड का खत्म नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ता रहेगा, हम तेजी से इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती रहेगी और जॉब क्रिएशन भी होता रहेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब किसान भाई बहनों के बारे में बात करते हैं तो उनकी उम्मीदें भी सिर्फ और सिर्फ इसी सरकार से है, किसी और सरकारों से नहीं। अगर आप पिछले 7 दशक का अगर आप देखिए रिकॉर्ड निकाल के देखिए तो उनकी आमदनी जिस तरह से बढ़ी है और जिस तरह से बाकी देश के लोगों की आमदनी बढ़ी है उसमें आप जल्दी से एक रिस्पॉन्स ब्रेक पर जाने का, ठीक है, जल्दी से एक रिस्पॉन्स। वी शेप रिकवरी कह रही है सरकार कह रही है किसान खुश है, उम्मीद है इनसे, इसीलिए इनसे नाराज है, आपसे उम्मीद नहीं लगता है कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बैठ अप इंडिया, लेट अप इंडिया, और आज हालत यह है कि इकोनॉमी रेंग अप इंडिया हो गई है, रेंग रही है इकोनॉमी। प्रधानमंत्री महोदय ने तो स्वयं ही बोल दिया है कि 2-3 महीने पहले ही मिनी बजट दे दिए हैं, लोन को ये पैकेज कहते हैं, पैकेज को बजट कहते हैं, मजदूरों को कोरोना टाइम में फ्री रेल में भाड़ा देना पड़ता है, उनको फ्री नहीं चला सकती जो सरकार, किसानों का इंटरनेट कनेक्शन काट देती है और प्रधानमंत्री कहते हैं एक फोन कॉल दूर हो, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है। और सबसे ज्यादा अगर किसी ने पूरे कोरोना के समय में बचाया तो वो मनरेगा था, जिसको मोदी साहब ने पार्लियामेंट के पटल पर कहा था कि ये कांग्रेस का विफलताओं का जीता जागता स्मारक है, उसी स्मारक ने इस सरकार को बचाया था। बेरोजगारी दर 45 साल की हाईएस्ट कोरोना से पहले ही हो गई थी। आज देखना है कि किस तरह से आगे चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर महोदय संदेश दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा बजट में, वित्त मंत्री महोदया कह रही हैं कि अद्वितीय बजट होगा, पिछले 7 साल से टैक्स में कोई छूट नहीं दी है सरकार ने, पेट्रोल 100 के पार गया हुआ है, सरकार कौन कौन से फ्रंट पर लड़ेगी, चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। घोषणाएं बजट में नहीं होती है, लेकिन हमें देखना होगा कि किस तरीके से आज के बजट में टैक्सेशन होता है। मैम बिल्कुल होता है, लेकिन आज के बजट में क्या ऐसा होने वाला है जो कि पहले कभी नहीं देखा गया, क्योंकि कोरोना काल से अभी हम गुजरे हैं, और ऐसे में वित्त मंत्री पर सबकी निगाह है अंजना, कि आखिरकार कोरोना के संकट के दौर से कैसे ये बजट की वैक्सीन हमें उभार पाएगी।